सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना। सो देश दुनिया की खबरें आप सब का निघा स्वागत करती हाँ। सो खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली वड़ी खबर के नाल। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोआर्डिनेटर श्रॉबी शार्प ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सकत्रेत में योग सैशन की अगवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मौके योग सैशन की अगवाई करेंगे। सो न्यूयॉर्क में यह योग सैशन 21 तो 24 जून तक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के नाल भी मेल खाता है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के सदे से अमेरिका आ रहे हैं और 22 जून को कांग्रेस दे सांझे सैशन भी संबोधन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समुद्री तूफान कारण हुए नुकसान और बचाव कार्यों का जायजा लेने लिए कच्छ का हवाई सर्वेखण किया। सो सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उन्होंने नाल सन। सो वह मांडवी कस्बे के एक हस्पताल में जख्मी लोगों से गर्भवती औरतों को मिले ने। उन्होंने NDRPF और BSF के जवानों नाल भी गलबात की है। सर्वेखण तो बाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दसिया है कि तूफान के कारण कोई मनुखी जान नहीं गई है, 47 लोग जख्मी हुए ने। यह गुजरात सरकार की वड्डी प्राप्ति है। 234 पशुओं की मौत हुई है। सारे जिलों में 4317 होर्डिंग्स हटाए गए हैं। तेज हवाओं के कारण 3400 पिंडों में बिजली बंद हो गई है। उन्होंने भी कहा है कि सारे पिंडों में 20 जून तक बिजली छेती बहाल हो जाएगी। भारत रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि 500 रुपए के नोट गायब होने की रिपोर्ट गलत है और RTI यानी कि इसके सहयोग के तहत ही प्रिंटिंग प्रेसों तो प्राप्त जानकारी की गलत व्याख्या नाल यह गलत धारणा फैली है। RBI अनुसार मीडिया के कुछ वर्गों ने बैंक नोट यानी कि प्रिंटिंग प्रेसा वालों छापे बैंक नोटों के गायब होने का दोष लगाते हुए रिपोर्ट प्रसारित की है। केंद्रीय बैंक ने जोर देकर कहा है कि यह रिपोर्ट सटीक नहीं है। RBI ने कहा है कि प्रिंटिंग प्रेसा वालों RBI को सप्लाई किए गए सारे ही नोटों का सही हिसाब रखा जाता है। उत्पादन भंडारण और वंड की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल समेत प्रेस में छपे और RBI नूं सप्लाई किए गए बैंक नोटों के मिलान लई मजबूत प्रणालियां मौजूद ने। RBI ने जनता नूं अजिहे मामले में समय समय से RBI के वलों प्रकाशित सूचनावां ते भरोसा करने की अपील की है। राजधानी भोपाल दे विच सरकारी जमीन ते नजायज कब्जे नूं लैके वड्डी कार्रवाई वेखण नूं मिली है। सो कब्जाधारियां ने कलियासो डैम ते धार्मिक स्थान बना के सरकारी जमीन ते कब्जा कर लिया सी। पिछले कुछ महीनों तो इत्थे डैम दे कैचमेंट एरिया विच अणपछाते लोग आके मजार बना के चादर चढ़ा रहे सन। इसकी भनक नगर निगम प्रशासन नूं भी सी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सी। यह मामला जदों मीडिया के सामने आया अते सोशल मीडिया ते लोगों ने इसनूं जम के ट्रोल किया तां नगर निगम प्रशासन ने हफड़ा दफड़ी विच इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता। सो प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच के जांच की अते सरकारी जमीन से गैर कानूनी रूप के नाल बनी मजार नूं हटा दिता। नगर निगम दे ने हमले ने जिहड़ी है गैर कानूनी मजार नूं हथौड़ा चला के तोड़ दिता। अमेरिका दे विच ग्रीन कार्डां दी उडीक कर रहे प्रवासियों नूं योग्यता नियमों में छोड़ दी गई है। बाइडन प्रशासन ने यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की आगामी फेरी तो पहला लिया। अमेरिकी सिटीजनशिप और इमीग्रेशन सर्विसिज ने योग्यता मापदंडा विच छोट संबंधी पॉलिसी दिशा निर्देश जारी किए ने। ग्रीन कार्ड जिसनों की अधिकारक तौर के उत्ते स्थाई रेजिडेंट कार्ड भी कहा जाता है, अमेरिका आने वाले प्रवासियों नूं जारी किया जाता दस्तावेज है जो मुल्क विच स्थाई तौर के उत्ते रहन की अधिकारक गरंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस की पार्टी के मैंबर सैनेटर डेविड वैन ने लिबरल पार्टी तो अस्तीफा दे दिता है। अस्तीफा देंदे हुए वैन ने कहा है कि वह बहुत दुखी और निराश ने। यह फैसला उस मामले तो कुछ दिन बाद लिया गया है। सो जदों उसके सीनेट के दो होर मैंबर एक अनजाण तीसरी औरत के अणउचित व्यवहार का दोष लगाया गया सी। वैन ने विक्टोरिया लिबरल पार्टी के प्रधान ग्रेग मीराबेला लिखे एक पत्र में दसिया है कि उस खिलाफ़ लगाए गए दोषों के संबंध में उचित प्रक्रिया के नियां लई लिबरल पार्टी की अणदेखी देखते हुए वह तुरंत प्रभाव तो अपनी मैंबरशिप तो अस्तीफा देता है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दिन लई इमीग्रेशन अफसर बन के काम किया है। सो इस दौरान ही सुनक छापेमारी में अधिकारियों के नाल शामिल होए अते बिल वक्-वक् देशों के 100 तो वध गैर कानूनी प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। यूके सरकार द्वारा जारी बयान में यह जानकारी साझी की गई है। सुनक ने इमीग्रेशन अफसर बनने की जानकारी खुद सोशल मीडिया से साझी की। ऋषि सुनक ने हल्के नीले रंग की कमीज और नेवी ब्लू पैंट के नाल बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जिहड़ी है ब्रांड उत्तरी लंडन का सवेरे सवेरे दौरा किया।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका वालों भारत नाल संबंधों नूं डूंघा होण नाल इस्लामाबाद नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उसने यह भी कहा है कि उसनूं इस नाल कोई समस्या नहीं है जदों तक इस नाल पाकिस्तान नूं नुकसान नहीं हुंदा। इत्थे मीडिया रिपोर्टां विच यह जानकारी दी गई। सो जिक्र खास है कि पाकिस्तान की यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के सदे से प्रधानमंत्री मोदी की 20 जून नूं अधिकारक अमेरिकी यात्रा तो पहला आई है। सो इस दौरे दौरान अमेरिका और भारत विचाले सेहत टैक्नोलॉजी नवी आउण योग ऊर्जा सिक्ख्या ते रक्षा इन्हां पंज अहम खेतरां ते चर्चा हुई है। पाकिस्तान की संसद ने यह यकीनी बनाने लिए एक बिल पास किया है कि किसी भी व्यक्ति नूं उम्र भर लिए सदन का मैंबर बनने तो अयोग ना ठहराया जाए। इस दे नाल ही विरोधी धिर ने दोष लगाया कि यह बिल साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश में वापसी और आने वाली चोणों में उन्हां दे शमूलियत का रस्ता साफ करने की कवायद है। नवाज शरीफ नूं 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजां की बैंच ने अयोग करा दिता सी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों तो बाद उसनूं उम्र भर लिए संसद मैंबर बनने लिए कानून तहत अयोग करा दिता गया। नवाज नवंबर 2019 तो ही इलाज लिए लंदन में रह रहे हैं। ब्रिटेन दे विच एक चाकू नाल हमले दीयां हैरान करन वालियां घटनावां दे 2 दिन बाद ही केरल दे रहण वाले भारतीय मूल दे 38 साला व्यक्ति दा चाकू मार के कतल कर दिता गया। इस तो पहला चाकूबाजी दी घटना विच एक ब्रिटिश भारतीय नौजवान अते हैदराबाद दे एक विद्यार्थी दी मौत हो गई सी। मैट्रोपोलिटन पुलिस ने दस्सिया है कि अरविंद शशि कुमार नूं 16 जून नूं छाती ते चाकू मार दे जख्मां दे नाल पाया गया। पुलिस ने एक बयान विच इह वी कहा है कि पीड़ित दी मौके ते ही मौत हो गई। इस मामले दी जांच कर रहे अधिकारियां ने उस दे रूममेट सलमान सलीम ते कतल दा दोष लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबक सलमान सलीम ने झगड़े दे बाद शशि कुमार दा चाकू मार के कतल कर दिता। शकी सलमान इत्थे अदालत विच पेश होया अते 20 जून नूं ओल्ड बेली विच पेश होण लई हिरासत विच लिता गया। सो देश दुनिया दी इन्हां खबरां विच फिलहाल इन्ना ही। इस दे नाल समां दिवांगे, धन्नवाद।